उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। खेतों में से भाग रहे, मेड़ों पे से भाग रहे, ऐसे भाग रहे जैसे चोर और डकैत है। हम लोगों को बस देख लिया, परदेश का आदमी है, मजदूर आदमी बाहर से आया तो उसकी तो वहाँ कोई वैल्यू है नहीं। मगर भैया वैल्यू तो है, आप ही तो काम करते हो वहाँ पे। काम करते काम करते पूरा, जब तक काम करेगा आदमी जब तक उसकी वैल्यू है। बस अब काम बंद हो गया था, गया गया आदमी, उसकी कोई वैल्यू नहीं, हटाओ इसको। बसों के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है देशवासियों। ये लोग, ये वाड्रा कांग्रेस मजदूरों का मजाक क्यों बना रही है? देश में मजदूर लॉकडाउन के बाद घर जाने के लिए काफी उत्सुक हैं। लॉकडाउन के कारण यातायात के साधन बंद थे, यही वजह से वे पैदल चलने को मजबूर हो गए। सरकार का यही दावा रहा है कि वे मजदूरों को मदद कर रही है, पर अगर वो मदद कर रही है तो मजदूर अभी भी परेशान क्यों है? अभी भी मजदूर भूखा क्यों है? और क्यों मजदूर अभी भी सड़कों पर पैदल यात्रा कर रहा है? हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कुछ मजदूरों से बात करी। उससे पहले आइए आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर क्या कहा था। क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के विषय उठाया, मैं भी इसका कांग्रेस पार्टी का जवाब देना चाह रही हूँ। और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, जहां कुछ गलत हो रहा है सरकार से सीधे सवाल करना। कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पे मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रही है। जो काम सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के नेताओं को करना चाहिए था, वह काम अब विपक्ष कर रहा है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता मजदूरों की मदद करने की बजाय उन्हें ही बुरा भला बोल रहे हैं। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मजदूर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। बलबीर पुंज ने ट्वीट पर लिखा, ये सब मजदूर दिल्ली छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पैसे की चाहत या खाने की? नहीं, ये सिर्फ लापरवाह लोग हैं। इनके घर पर नौकरी या पैसा उनका इंतजार नहीं कर रहा। ये तो जबरदस्ती मिली छुट्टी में परिवारों से मिल लेना चाहते हैं। हालत की गंभीरता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वहीं एक और बीजेपी नेता उदय भान सिंह ने अपने बयान में मजदूरों की चोरों और डकैतों से तुलना कर दी। यही कह सकते हैं कि संवेदनशीलता हमारे उनके साथ में, प्रभु उनकी आत्माओं को अपनी शरण में ले, लेकिन उसमें किसी ने भी हादसा को आमंत्रित नहीं किया है। सच्चाई यह है कि यदि वो धैर्य नहीं छोड़ते, हम रोज भुगत रहे हैं, रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रुक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रुक रहे। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। हाल ही में राहुल गांधी ने लॉकडाउन होने के बाद मुश्किल झेल रहे मजदूरों से बात की जो पैदल चलकर घर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बातचीत में मजदूरों की परेशानियों को सुना और मदद करने को भी कहा। काम धंधे सब कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर वाला। चुनाई प्लस्तर का काम। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने कितने देर से चल रहे हो? कल से चल रहे, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था, 21 तारीख को कुछ नहीं करा। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए से? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कर रहे हो? चले जा रहे चले जा रहे। खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो मिल गया, तो खा लिया। लोग दे रहे हैं, लोग दे दिया रास्ते में, तो खा लिया है, नहीं तो फिर भूखे अपने चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पर पता लगा कि भैया? एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। तो कोई बात, आपने सोचा एक दिन का बंद है? चार दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? घर क्या करते? और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले ले गई,
घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूं वेहूं बेच बेच के घर डाल घर से पैसे खा। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया, क्यों लिया? एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, किस्तें खत्म होने वाला है, चौथा फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, फिर पांचवे में बढ़ेगा कि छठ में कहाँ तक चलेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे दो तीन महीने में या वही? अभी तक सोच ही नहीं आने के लिए, मतलब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो। मुझे लगता है किसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो अपना काम कर रहे थे बस, सरकार ने आपसे कहा कि भैया आप काम नहीं कर सकते, अब आपके हाथ बांध दिए, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिला उसके उसके लिए जो आपके हाथ से छीना, आपकी मजदूरी जो आपसे छीना, उसके लिए तो मिलना चाहिए। क्या कर सकते, किसी से भी जबरदस्ती ले नहीं सकते, मांग भी नहीं सकते, कोई दे नहीं सकता है। कितना हो गया था, अभी तो इतना हो गया था, घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था, उधर पुलिस वाले तो पुलिस वाले, और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे, अगर लोग डंडा लोग मतलब डंडा लेके घूम रहे थे, अगर गेट से बाहर निकले उन्होंने देना शुरू कर दिया अंदाजा, हरियाणा में मतलब आम लोग, हाँ आम लोग, पुलिस वाले उनसे कह जाते थे तुम व्यवस्था बनाना, बस पुलिस नहीं आती, पुलिस आएगी दो टाइम वो रहेंगे पूरा दिन, सब झूठ है, वो कुछ नहीं हो रहा, हम लोगों को बस देख लिया परदेश का आदमी है, मजदूर आदमी बाहर से आया तो उसकी तो वहाँ कोई वैल्यू है नहीं है। मगर भैया वैल्यू तो है, आप ही तो काम करते हो वहाँ पे, काम करते काम करने पे पूरा जब तक काम करेगा आदमी जब तक उसकी वैल्यू है, बस अब काम बंद हो गया था गया गया आदमी, उसकी कोई वैल्यू नहीं, हटाओ इसको, वो मजबूर हो गया आदमी, ना घर भाग सकता था और ना कुछ कर सकता था। तो अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए, अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा कि हम लोगों को गांव का छोड़ दिया, ठीक है गांव पे छोड़ दिया माने, हाँ, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए, के जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए, सो दो पैसे मतलब फिर से रोजगार चालू कर, रोजगार चालू होगा, काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है। रुपये कमाता है वहाँ 25 रुपये कमाएगा गाँव में तो आदमी पेट तो भरेगा अपना। अगर 3-4 दिन का नोटिस दिया होता तो आप गांव पहुंच जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे मजदूरी से यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ भी खेती में कोई भी फसल काट लेते, कुछ खाने के लिए हो जाता, कोई की जबा काटते मत कह दो, अपने साल दो एक दो महीना के खाने के लिए कर लेते, अब यहाँ एकदम बैठ गए तो खाने को क्या करेंगे, बच्चे मोजा हुए कि कहाँ से खवाएंगे क्या खाएंगे, अब बोल रहे काम की बात, वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, न महिला की न जेंट्स की किसकी नहीं है, वहाँ मजदूर की इज्जत है ही नहीं, इज्जत है नहीं है, कि मजदूर है कि गरीब है कोई इज्जत नहीं है वहाँ, अगर अपन लोग हम लोग किराया देंगे ना तो इज्जत है, और अगर किराया नहीं देंगे तो कोई इज्जत नहीं है। राहुल गांधी ने जिन मजदूरों से बात की उनको उनके घरों तक भी पहुंचाया, ऐसा करके राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण के बयान को झूठा कर दिया। कांग्रेस मजदूरों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही है, पहले रेल किराया माफ करने का किया ऐलान, फिर बसेस भी चलाई, पर राजनीति के चलते बसेस नहीं चल पाई। प्रियंका गांधी ने इस पर वीडियो के जरिए अपील भी की थी कि बसें चलाने दी जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 16-17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी, अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें जिनकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते, लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं, अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए, आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं इन पे, अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। अगर बात करें मीडिया की तो मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी सरकार से मजदूरों के मुद्दे पर सवाल करना शुरू कर दिया है, पर कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो अभी भी विपक्ष पर ही उंगली कर रहे हैं। सभी नेताओं को मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि ये बस वाली सियासत अब बस कर, हमारे जो मजदूर भाई मुसीबत में हैं उनकी मुश्किलें और मत बढ़ाओ, ड्रामा बंद करो, बसों के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है देशवासियों, ये लोग, ये वाड्रा कांग्रेस मजदूरों का मजाक क्यों बना रही है?
जिन्हें पैसा कमाने के लिए नौकरी ना करना हो, सिर्फ घोटाला करना है, वो गरीबी, गम और गुर्बत, क्या जाने ये लोग। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि मदद कोई भी पार्टी करे, चाहे कांग्रेस या बीजेपी। मुद्दा मजदूरों की मदद का है और उन्हें संरक्षित घर तक पहुंचाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़, प्लीज क्लिक द बेल आइकन।